अभी देखो बंदर मुझे खा गया था, ये तो मैंने पन्नी ऊपर कर ली अपने प्रसाद की, इसके पैरों की आवाज़ से मैंने ऊपर उठा ली, नहीं तो खा जाता मुझे आज। हेलो भाई, मेरा नाम है शर्मा, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज मैं जा रहा हूँ भद्रकाली के मंदिर, हमारे घर के घर से मतलब थोड़ी दूर ही है, 5-7 किलोमीटर पड़ता होगा ज़्यादा ज़्यादा मैक्स। तो भाई मतलब हमारे घर से पास में ही है ना, इस वजह से मम्मी और मतलब पड़ोस की जो ताई चाची होती है वे कभी पैदल चली जाती है, तो उन्हें भी लेकर आना उधर से। तो इधर से पैदल गई थी तो उन्हें लेकर आऊँगा उधर से, और मैं भी मंदिर में जाऊँगा, और मैं नहा धो के आ चुका हूँ, और रास्ता भी थोड़ा ऐसा सही है खेत का, तो भी दिखाता हूँ आपको मंदिर आज भद्रकाली का। मतलब काफ़ी वो होता है वहाँ, मतलब काफ़ी मान्यता है मंदिर की, काफ़ी भीड़ भी रहती है, वैसे तो मंडे को ही जाया जाता है वहाँ। और दूसरी बात, इन दिनों में तो ज़्यादा भीड़ रहती नहीं, माह के महीने में और नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ रहती है मेनली, तो माह के महीने में जो 400 सोमवार रहते हैं ना भाई, वहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है। वैसे तो वहाँ पर मंडे में जाया जाता है, किसी मंडे में चले जाओ नॉर्मली जिसमें जाना हो, लेकिन जो ज़्यादा लोग आते हैं वो नवरात्रों में और माह के महीनों में आते हैं। हम तो माह के महीने में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे घर के पास है, हम कभी भी चले जाते हैं माह के महीने में चले जाते हैं। वैसे फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने, और मतलब जो ताई जी और चाची है परिवार के आस पड़ोस की, तो वो भी गई है मम्मी के साथ। तो मैं आपको अभी मंदिर दिखाता हूँ चल के, थोड़ी दूर का रास्ता है, 15-20 मिनट का बस। भाई रास्ता देखो कितना मतलब नेड़ा सही, मतलब बारीक सही है, रास्ते की चौड़ाई बहुत कम है, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ रहती है ना इस रास्ते पर, तो कुछ ना कुछ इन्हें बनवाना चाहिए, मतलब चौड़ा करके इस रास्ते को, गली सी बना रखी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और इसमें भुक्की भी आती है, खेत भी है। वैसे कह रहे हैं कि इसमें 1-2 महीने बाद काम चलेगा रोड पर। तो भाई आप आगे देख पा रहे होगे, हम पहुंच चुके हैं जो फाटक से लग रहा है, और वो उधर सामने देखो कितनी दूर मंदिर है। वो जब माह के महीने में ना, तो नवरात्रों में और उस महीने में जो बता रहा हूँ, माह के महीने में वहां से लेके डायरेक्ट यहाँ तक भीड़ रहती है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। अब आप समझ जाओ, ये जो सारी जगह पड़ी है यहाँ पे मेला लगा रहता है, लेफ्ट में भी राइट में भी जितनी भी खाली जगह पड़ी है ना, लेकिन भीड़ तो यार आज भी मतलब काफी सारी बाइक खड़ी है। अभी देखता हूँ चल के, भीड़ तो आज भी बहुत है। एक अंदर जाके नल है वो, मतलब हमने लगवाया था इस मंदिर में बहुत पहले, और अभी तो यहाँ पे फिर भी अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने, और ना ये लाइन सी बना रखी है ना सामने, पहले लाइन वाइन कुछ नहीं थी, ऐसी मतलब भगदड़ सी रहती थी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो कितनी बड़ी नहर है भाई साहब, भर के चल रही है बिल्कुल। अभी देखो बंदर मुझे खा गया था, ये तो मैंने पन्नी ऊपर कर ली अपने प्रसाद की, इसके पैरों की आवाज़ से मैंने ऊपर उठा ली, नहीं तो खा जाता मुझे आज, तो प्रसाद भी छीन लेता। देखो कितनी बड़ी नहर है। देख रहे हो भाई कितनी बड़ी नहर है सामने, और इधर हमारे पीछे इधर मंदिर है, उधर सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, अब जा रहा हूँ मैं गाड़ी की तरफ। तो भाई भद्रकाली से तो हम आ गए थे जब मम्मी वगैरह बैठी थी गाड़ी में, इस वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था। तो अभी फिलहाल मैं किसी और काम से आया था, आप सोच रहे हो ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इसकी सीट कवर देख के। तो भाई ये वैगन आ रहा है, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है,
मतलब जो हमने मोटिवेशन करा रखा है ना उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर, और आपको भद्रकाली का मंदिर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जय माता दी लिख देना। और मैं ऐसे ही आपको, मेरी वैसे मोस्टली तो वीडियो बनाता हूँ, आपको पता होगा अगर मेरे ब्लॉग मतलब वीडियोस देखते हो तो, गाड़ी वगैरह की। तो तीसरा चौथा ब्लॉग था ये आज मेरा, और वीडियोस को देखते रहा करो मेरी। गाड़ी धूप में खड़ी थी भाई, आप देख सकते हो पसीने आ रहे हैं, एसी चल रहा है तब भी पसीने आ रहे हैं। अभी अभी बैठा हूँ मैं इस गाड़ी में, मतलब घर ही पहुँचने वाला हूँ वैसे तो, मैं अभी पास ही में गया था तो वहाँ पर धूप में खड़ी थी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस ब्लॉग एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।